पीरियड के दौरान वर्कआउट कर सकते हैं क्या? जी हाँ, पीरियड के दौरान वर्कआउट भी कर सकते हो और अपना रोजमर्रा का घर का कामकाज भी कर सकते हो। इसको समझने के लिए हम ज्यादा दूर नहीं जाते और आपको कोई ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। केवल एक सिंपल एग्जाम्पल लूंगी। मेरा भाई चानू, जिन्होंने 2020 में ओलंपिक का मेडल जीता था, मेरे ख्याल से ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 202 किलो का वजन उन्होंने अपने पीरियड्स के फर्स्ट और सेकेंड डे उन्होंने वेट लिफ्ट किया था। और सोचिए, उन्होंने पीरियड के दौरान वजन भी लिफ्ट किया और उन्होंने विन भी किया, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने ओलंपिक में जीता था। तो आप वेट लिफ्ट कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं पीरियड्स के दौरान भी कई कई घंटों की प्रैक्टिस करके एथलीट महिलाएं, क्रिकेटर महिलाएं जो वेट लिफ्ट उठाती, वेट लिफ्टिंग करती हैं, जो बैडमिंटन खेलती हैं, जो टेनिस खेलती हैं, जो देश के लिए खेलती हैं, जो नेशनल लेवल पे खेलती हैं, जो हमारे देश, उन सभी को कई कई घंटों की प्रैक्टिस हर रोज करनी पड़ती है। चाहे पीरियड्स हो तभी भी उनको वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसका कोई साइड इफेक्ट या नुकसान हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा उसे खेलने से फायदा होता है। कोई भी एक्सरसाइज करने से पीरियड्स के दौरान ज्यादा ही फायदा होता है। मेंटल स्ट्रेस कम होता है, पेट का दर्द कम होता है, कमर का दर्द कम होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, हम अपनी केयर करते हैं, रूटीन में बने रहते हैं। हाँ, कुछ साल पहले तक, 50 से 100 साल पहले अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्थितियां दूसरी थी, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन नहीं होते थे, घरों में पानी का कनेक्शन नहीं होता था, जिसकी वजह से वे लोग तालाब से या कुएं से पानी भर के लाते थे। कपड़ों को वे लोग तालाब पर जाके धोते थे या महिलाएं तालाब या कुएं के पानी में नहाती थी। अगर पीरियड्स के दौरान वो महिला अगर तालाब पर जाकर नहाएगी या उसके ब्लड के कपड़े को वो धोएगी तो वो पीने का पानी गंदा हो जाएगा। इसकी वजह से उसको तालाब के किनारे या कुएं के किनारे जाने को नहीं दिया जाता था। साथ ही घर के अंदर उसे कोठरी में, एक कमरे में उसको रखा जाता था, क्योंकि उस जमाने में 100 साल पहले तक लोगों के पास लोग हाथों से बुनाई करके खुद अपने हाथों से चरखे से कपड़ा काटा करते थे, कपड़ा घर में बनाया करते थे। लोगों के पास इस तरह रेडीमेड भर भर के कपड़े उस जमाने में नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से पीरियड्स के दौरान वो कपड़ों को, पूरे बहुत सारे कपड़े उसको नहीं मिलते थे। थोड़ी सी कपड़ों के कुछ टुकड़े अगर उसके पास होते भी थे, और हो भी सकता है कि नहीं भी होते हो, उस जमाने की गरीबी के चलते, तो वे लोग उस कमरे को, कमरे के अंदर उसको बंद करते थे, जिससे वो पत्थरों पर बैठा करती थी। 3 से 4 दिन वो फर्श पर या पत्थरों पर बैठकर अपना टाइम पास करती थी। जब उसके पीरियड्स खत्म हो जाते थे तब बाल्टी भर के पानी उस कमरे में डाल दिया जाता था। घर की महिलाएं पीरियड्स शुरू होते ही उस कमरे में चली जाया करती थी, जिससे कि जब उनके ब्लड की वजह से जब उनके कपड़े गंदे हो जाते थे तो उनको एम्बेरेसिंग सिचुएशन का सामना न करना पड़े, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास पहनने को कपड़ा भी कम हुआ करता था। और पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन तो होते ही नहीं थे, या सैनिटरी नैपकिन की तरह भी बहुत ही लिमिटेड मात्रा में कपड़ा हुआ करता था, जिसको धोने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता था, और जिसको धोने के लिए घर में नल के कनेक्शन नहीं, या तो तालाब या कुआं हुआ करता था, जिससे कि पूरा का पूरा गांव पानी पीता था। इसी वजह से कुछ दिन के लिए उस महिला को अलग कमरे में बिठा दिया करता था। इसका कारण केवल भौगोलिक और या वातावरण, आप कह सकते हैं कि उस जमाने में ऐसा वातावरण जरूरी था, लेकिन आज के जमाने में ये प्रॉब्लम नहीं है। घरों में नलों के कनेक्शन है, बिजली है, भर भर के कपड़ा है, और चलो छोड़ो सैनिटरी नैपकिन की सुविधा है, तो इस सुविधा के चलते इस तरह की कोई परेशानी पीरियड्स की वजह से अंदरूनी अंगों के ऊपर, कोई भी वर्कआउट की वजह से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। हमारे देश की महिला एथलीटों ने, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो वेट लिफ्ट करने वाली महिलाएं हो, या कोई भी गेम खेलने वाली महिलाएं, और वो ही क्यों, जो डांसर्स होती हैं, जो कोरियोग्राफर्स होती हैं, जो हमारी फिल्मों की एक्ट्रेसेस हैं, सोचिए वो भी कितनी मेहनत करती हैं हर रोज कई कई घंटों तक। तो क्या पीरियड्स के दौरान क्या वो आराम करना कैसे पॉसिबल है उन लोगों के लिए? वर्किंग महिलाओं के लिए कैसे पॉसिबल है रेस्ट करना? नहीं पॉसिबल है। तो फिर वर्कआउट करने से डरते क्यों हैं और घर का कामकाज क्यों रोक देते हैं? किचन में जाइए, अपना रोजमर्रा का कामकाज कीजिए, 15 से 20 मिनट अगर वर्कआउट कर पाते हैं तो जरूर कीजिए, बल्कि ऐसा करने से आपका पेट का और कमर का दर्द और चिड़चिड़ापन बिल्कुल भी नहीं होगा।
उम्मीद करती हूँ कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा।